नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज, सच और कुछ नहीं, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताजा और सटीक खबरें हर दिन। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। सतबरिया में गंगा नदियों के बाढ़ के जलस्तर गांव से लेकर शहर के निचले इलाकों में बढ़ने से मचा हाहाकार। बैरिया मांझी राष्ट्रीय मार्ग NH 31 उत्तर प्रदेश व बिहार का आवागमन पूरी तरह से हुआ बंद। खबर उत्तर प्रदेश बलिया बैरिया मांझी राष्ट्रीय मार्ग NH 31 से है। चांदियर पुलिस चौकी से 100 मीटर आगे यादव नगर गांव के सामने बुधवार की रात्रि करीब 1 बजे के लगभग उत्तर प्रदेश व बिहार का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। घटना की सूचना पर देर रात बीती जनपद के शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं सूचना पर NDRF की टीम भी पहुंची। मौके पर पहुंचे NDRF टीम ने सरयू नदी के पानी में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि NH 31 हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ने वाले मार्ग को सरयू नदी की तेज धारा ने लगभग 100 मीटर पक्की सड़क मार्ग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा काफिला लग गया है। अचानक सड़क क्षतिग्रस्त होने से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन आ गई। सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से हजारों की आबादी को बाढ़ ने रातों रात अपने घेरे में ले लिया। मौके पर पहुंची NDRF ने बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अचानक सड़क के दो भाग में बढ़ जाने से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। समाचार भेजे जाने तक कटान स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। NH कटने की सूचना पर क्षेत्रीय लोगों की भारी भीड़ NH पर बढ़ गई है। यूपी बिहार का ये बॉर्डर है और बिहार बॉर्डर के पहले मांझी घाट पुल है, तो इससे लगभग 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे रात को 1:30 बजे के लगभग NH जो है वो कट गया और जो इधर गंगा का पानी भरा हुआ था गांव में प्रवेश कर गया। और चांदियर गांव का नाम है और इस गांव की आबादी 1000 से 1200 के आसपास है। जैसे रात को हमको सूचना मिली तो हमारे जो ADM है, SDM है, सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक्सीएम फ्लड है और NDRF की टीम तुरंत से यहाँ पर आई और सभी लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है यहाँ पर और लोगों को रेस्क्यू करके उनको खाने पीने की सुविधा दी जा रही है, उनको रुकवाया जा रहा है। और मैंने और SP साहब ने अभी बोर्ड से जा कर के गाँव की विजिट भी करी है। लगभग 4.5 से 5 फीट तक पानी उसमें भरा हुआ है और जो NH कटा है उसकी रिपेयरिंग के लिए आप NH के अधिकारी आ गए हैं, उसका रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और कल शाम तक ये जो है हमारा NH संभवतः चालू हो जाएगा। सर ये जो आबादी पूरी जो फंसी हुई है क्या निकाल ली जाती है? आबादी को जो भी फंसी हुई थी और हमारी जो NDRF की टीम है वो रात से लगी हुई है, सभी लोगों को निकाल लिया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान के लिए वापस जा रहे हैं अपना सामान लेने के लिए और आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ऐसा नहीं जो फंसा हुआ हो जिसका रेस्क्यू नहीं किया गया हो। सिर्फ बंधा कटने का कारण क्या समझ में आ रहा है, आपने निरीक्षण किया है सर? देखिए जो गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है और जो पानी का प्रेशर रहा तो उससे मिट्टी का कटान हुआ और रात को लगभग हमको 1:30 बजे सूचना मिली कि मिट्टी के कटान के साथ ही रोड भी कटना चालू हो गया। तो पानी का प्रेशर इतना तेज था जो रोड है वो लगभग 25 मीटर तक कट गई और उसके माध्यम से पानी जो है गांव में चला गया। ग्रामीणों का कहना है सर कि ये जो नमामि गंगे के तहत पाइप लाइन जो लगाई जा रही है वो भी लगाई जा रही थी और उस कारण ज़्यादा गड्ढा हुआ और इस वजह से भी ये सड़क कटा है सर। नहीं, ऐसा कोई कारण हमारे संज्ञान में नहीं है।